बयान आपके बड़ा पीछा कर रहे हैं। आपके नेता ने जो पास्ट में एक स्टेटमेंट दिए हैं, मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो वही है, टीवी खोलता हूँ तो यही है, डिबेट पे जाता हूँ तो प्रवक्ता लोग भी घूम के वो बयान ही आपको याद दिलाते हैं, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बोल गए थे? देखिए ब्रिजेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैंने प्रियंका जी बैठी है, हमारी बहन है कांग्रेस की, उनके भाषा में मैंने चीजों की सहमति दर्ज की है कि भारत समाचार की टीआरपी सबसे हाई है और बकायदा मैंने इसके लिए ट्वीट भी किया था, तो आपको इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद क्योंकि धन्यवाद उधर पीयूष बीच जी, में बैठ बहुत नहीं बहुत पाया मैं। शुक्रिया। लेकिन दूसरी मैं आपसे बात, तीखे दूसरी सवाल बात मैं करूंगा, आता हूँ कि आप जो ये ना हम सोचें कि ये कहते समाजवादी आपसे पार्टी हल्के सवाल मिलेंगे आपको। जी, दूसरी बात की जो आईपी सिंह जी ने कहा है कि हमारे पार्टी के बारे में, हमारे बारे में और माननीय मोदी जी के बारे में कि अब की बार कौन सी सरकार, ये भूल गए हैं कि तत्कालीन 2014 में खुद भारतीय जो है भाजपा के पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने पार्टी बदल के सपा ज्वाइन करी। नंबर तीसरी बात कि जो ये जो पीडीए के बाद जो ये इंडिया बना, यह एक बिन दूल्हे की बारात है जिसके फूफा जी नाराज हैं, कभी आरएलडी की ओर से दिख जाते हैं तो कभी किसी की ओर से मुंह फुलाए दिख जाते हैं। ये एक ऐसी बारात है कि जिसका दूल्हा फरार है। अब आप बैठे हैं, इन्हीं सबसे पूछिए, क्या कांग्रेस ममता बनर्जी जी के सामने अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी? क्या उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सामने अपना कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारेगी? क्या टीएसआर के सामने अपने कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारेगी? क्या स्टेलिंग के सामने तमिलनाडु में कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी? अगर मैं ये कहता हूँ कि इनके जो इनकी जो बारात है वो बिन दूल्हे की है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। और जो इनका पीडीए अच्छा, बना ये जो था बीजेपी उसकी की बारात धज्जियां निकलेगी, माननीय ओम पीयूष जी, प्रकाश जी ने पीयूष जी, पीयूष जी, ऐसी उड़ाई कि आज ओके, ये पीयूष जी इंडिया सवाल करके लीजिए, आ गए हैं। एक सवाल ये लीजिए, बहुरूपिये हैं, एक कर्म सवाल, बेस के सवाल सवाल बहुरूपिये हैं, सवाल ये सवाल स्पेशल जो सवाल, मेरे 26 है अरे जो सुपर सुनिए, 38 से मुकाबला करने को अरे चले हैं, सुन ये सवाल तो ले लो। स्पेशल लुटेरे अरे पीयूष, 26 है, 26 अच्छा है, ये जो उधर बीजेपी की 36 बारात लुटेरे निकलेगी, हैं जो एक सुपर तरफा 38 से संवाद क्यों कर रहे मुकाबला हो, करने सवाल चले भी हैं। तो लो। अब मैंने जो प्रश्न किया आप पूछ लीजिए, अच्छा क्या अब सुनो, कांग्रेस एक इन सवाल ले जगहों लो। पर अपनी कैंडिडेट उतारेगी कि नहीं? और दूसरी बात कि जो आप पूछ रहे हैं बात क्या गाली पीयूष से गलौज की, कनेक्शन कि टूट गया है क्या? समाजवादी पार्टी क्या बसपा से गठबंधन पीयूष करते से समय कनेक्शन भूल है, गई पीयूष थी की कि आवाज किस जा रही है? तरीके से चीरहरण बहन कुमारी मायावती जी का गेस्ट हाउस में किया था, जिस तरीके से सुपाल जी को धक्का मुक्की ये करके जेल से जानबूझ के उतार दिया मेरा था, सवाल सुन नहीं उन रहे हैं, चीजों के आवाज सामने इनको जा हमारी रही, मैंने चीजें चेक बहुत करा दुख लिया, है। ग्रीन दिख रहा है इनका। सुनिए अब सवाल तो लो। अच्छा, बीजेपी की बारात निकल रही है ना, आपके यहाँ से कितने बाराती हैं 80 बारातियों में? देखिए मैंने पहले भी कहा था ब्रजेश भैया कि आगे कुछ अच्छा होगा, ये अभी टेलर है, झांकी पिक्चर बाकी है, तो थोड़ा सा इंतजार करने एक की दो सीट जरूरत तो है। मिल ही हमारे राष्ट्रीय जाएगी, अध्यक्ष ने, माननीय ओम प्रकाश एक आध जी सीट ने, तो मिल ही और जाएगी, हमारी जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, आपको मैं एक एक चीज और आध सीट आगाह करता हूँ, मिलेगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं धन्यवाद, बल्कि बिहार में भी अपना दम बहुत दम बहुत हक शुक्रिया तरीके केपी से मल्ल।